मैंने कहा ना जानू भाई, मेरा शक बिल्कुल ठीक था, ठीक इसके काम के क्योंकि भाई। उस दिन उसको हमने जो उसका काम खराब किया है ना। मुनि जी नाथ हाजिर हो। उसने हमारा हमें नुकसान देने की कोशिश की। माजिद भाई ये चीजों को देखना पड़ता है, फिर बाद में अगर एक नतीजा हम उसके तरफ जा रहे हैं वो कहेगी कि मेरी तरफ आए, और एक किस्म की चीजों से दुश्मनी लेना भारी पड़ता है हमें। ये आपको ही नुकसान देने वाली थी कि अच्छा आपके ऊपर नहीं हमला कर सकी, तो अब ऐसा थे चढ़ गया उसके। गायब हो गया, यहीं से कौन गायब। है ये? हाँ, यही बता रही है, मैं जब भी इधर एक दिन या दो दिन सोता हूँ, ज्यादा नहीं सोता इस साइड पे, मुझे तकलीफ देते हैं इसलिए मेरी तबीयत भी थोड़ी सी। हाँ हाँ है, वो सामने खड़ी है। किधर? वो सामने हाँ, वो देखो, है, ये देख, अल्लाह अकबर, इधर पीछे से कोई चीज गई है यार। जानू भाई इधर पीछे से आई है कोई चीज, इधर से तरफ जाना पड़ेगा। वो पीछे से कैसी कोई चीज आई है स्पीड से बहुत ज्यादा। यार तुझे अगर महसूस हो रहा तो कैमरा पीछे कर दे। यार महसूस किया वो अंदर से आया, माचे दीजिए। गायब हो गए। उसको देख, इनको देख, लगते हैं खाली नहीं खोपड़ी है। नहीं होती खाली खोपड़ी है, लगता है कोई खोपड़ी देख रही है हमें, है? जैसे जिधर जाते हैं ना खोपड़ी उधर सर करती है। सर हिल रहा है ना। हाँ इसके मत्थे के ऊपर मार तस्वीर। अल्लाह अकबर, बहुत ज्यादा आवाज आ खड़ो रही। ओए ओए अवैस खड़ो, बच्चे यार इतना टाइम नहीं है हमारे पास, उठो। इधर से आवाज आ रही है। निकल बाहर जानू भाई, आवाज उधर से आ रही है। जानू भाई मार इधर रहे, आवाज उधर से आ रही है। निकल बाहर। वो देखिए शोर को छोड़। यार आपने तो कोई चीज नहीं छोड़ी इसके ऊपर जानू नहीं, भाई। मैं यार क्यों छोड़ूंगा यार। यार जानू भाई उस गलती की वजह से। अल्लाह अल्लाह अकबर, गायब हो गया। जानू रुको 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 रुको, हाथ ना लगाओ, हाथ ना लगाओ अभी जानू को। यार करंट है इसके अंदर। करंट? हाँ यार पागल है, करंट है, पागल है यार। उसको मुझे हाथ लगाने दें, देखने दें। अवेश पहले नए यार, अभी तुम आए हो यार, हालत देखिए तूने अपनी, जहां पर नन्नू बबूत माता। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, सही है सही है। जानू भाई हा? उसने शुरू से ही जाल यही बिछाए। नहीं बुलवाए आप हा? लेकिन ये देख ले, आप ऐसा काम करें कि इसको ना पता चल जाए भाई इसने क्या किया है, क्यों इसने बात नहीं मानी। ठीक है आज इसकी ना बहादुरी करते हैं। यार पहले इधर से तो निकलो। हाँ आगे तो निकलो, अपनी चीजों के पास तो पहुंचो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम राज बाकिया के साथ मैं हूँ माजिद अली, और मेरे साथ मौजूद है जानू भाई और आलू भाई। अवेस की थोड़ी सी तबीयत खराब थी इसलिए अवेस हमारे साथ नहीं है इस टाइम, मगर बैक टू कैमरा वो बैठा हुआ है। मगर अभी सूरत हाल इतनी डिफिकल्ट हो चुकी है कि हमारी चीजें इस चीज दूसरी चीज की वजह से हमारा साथ नहीं दे पा रही, और अजीब एक कश्मकश बनी हुई है कि क्या वजह है कि शायद कोई दुश्मन है उसने हमारे साथ ये सब कुछ कोशिश की करने की। और हमारी प्रोग्राम के अंदर उस टाइम जब हमने प्रोग्राम शुरू किया तो हमारी इतनी प्लानिंग नहीं थी उस चीज़ के बारे में कि ये इतनी ज़्यादा ताकतवर हो भी सकती है या नहीं हो सकती। हम तो नॉर्मली जैसे हम प्रोग्राम शुरू करते हैं उसी तरीके से ही चीज़ों को देख रहे थे, मगर नहीं, ये प्रॉपरली तरीके से एक इस चीज़ का जो जाल बिछाया गया था उस जाल के अंदर वो हमें फंसाने में कामयाब हो चुकी थी। हमारा एरिया यहाँ तक थोड़ा सा था, मगर उस चीज़ ने क्या किया, जहाँ तक हमारी चीज़ें थी वो हमें वहाँ से दूर ले गई, तो उसकी ताकत में इजाफा हो गया, उसका हम पर कंट्रोल बहुत ज़्यादा हो गया। इसी वजह से उसने शायद जानू भाई को अवैध समझकर हमला किया, या वो जानू भाई की ताकत का
मुकाबला नहीं कर सकती थी। कमजोर अपना हदफ देखा अवैस और उसके ऊपर उसने बहुत शदीद हमला कर दिया और उसके नतीजे में अवैस काफ़ी देर तक स्ट्रगल करता रहा और फाइनली उसको यानी कि पढ़ाई करके हमने किसी न किसी हिसाब किताब में ले आए और वो ठीक हो गया। हम वहाँ से निकले, फिर एक जगह पे आई जहाँ पर जानू भाई को उसने बिल्कुल ऐसे समझे कि एक जगह पर खड़े हो गए, फ्रीज हो गए। और जब मैंने जानू भाई को ऐसे हाथ लगाया तो सीरियसली जानू भाई के अंदर से ऐसे करंट निकले। मैं परेशान हो गया, मैंने कहा ऐसे कभी नहीं हुआ, मुझे डर लग गया कि मैंने कहा शायद जानू भाई के ऊपर भी ये हमला हो चुका है, मगर नहीं, ऐसा नहीं था। फिर उसके बाद जानू भाई को भी कुछ याद नहीं है कि मैं इतनी देर उसके सामने खड़ा रहा, वो चीज़ वहाँ से गायब हो गई। फिर मैं इतनी देर कैसे खड़ा रहा, क्या सिचुएशन हुई, इनको इस टाइम पता नहीं चला। फिर उसके बाद यहाँ पर आए, उस चीज़ को बबूत माता और उसके बीच में की लड़ाई के बारे में हमें पता चला। फिर हमने सोचा कि उसका कोई हमारे पास हल नहीं है, शायद हम अपनी असल ताकत इस्तेमाल करें तो इसका हम पता कर सकते हैं। और जानू भाई ने कहा कि माजिद भाई इससे बेस्ट तरीका हाजिरी से ज़्यादा हमारे पास नहीं हो सकता। तो जानू भाई अभी क्या करने वाले हैं? माजिद भाई आपने सारी बातें तो सुन ली हैं हमारी, मैंने तो उसके अलावा हम इसकी हाजिरी करते हैं। पहले हमजाद बुलवाता हूँ, ठीक है, हमजाद बुलवा के उसकी पढ़ाई लेते हैं। हाँ। पढ़ाई लेकर तो माजिद भाई जो भी गलती हुई है मैं उससे माफी मांगता हूँ। जो चीजें मेरी माफी क्या मांगनी जानू भाई, उसने तो हमारे पहले माजरत करनी पड़ेगी, मेरी बात सुनो, पहले माजरत करनी पड़ेगी, बाद में उनको पूछा है कि हम चलो आपकी तो गलती हो गई, मेरी चीजों ने मारा है तुझे। हाँ। तो आपको किसने भेजा है इधर, ऐसे पहले नहीं पूछेंगे, क्यों पूछो पहले, उसने हमें नुकसान देने की कोशिश की। माजिद भाई ये चीज़ों को देखना पड़ता है, फिर बाद में अगर एक नतीजा हम उसके तरफ जा रहे हैं वो कहेगी कि मेरी तरफ आए। एक किस्म की चीज़ों से दुश्मनी लेना भारी पड़ता है हमें, मोहब्बत से पूछें तो और बात होती है। चलें जी, जिस तरीके से ये कहते हैं फिर इस तरीके से शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, आप शुरू करें। ठीक है, तस्बीह होगी तेरे पास भाई, लियो। कड़ा लगा दे, बैठ गया। अब पहले हमजाद को बुलाना है जानू भाई। हाँ जी, हमजाद हाजिर हो, हमजात हाजिर हो, आलू इधर दो, आवाजें दे दो इधर दे, हमजात हाजिर हो, 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 आ जाओ,
हमजात हाजिर हो। हमजात हाजिर हो। जानू भाई हमजात आ गए तुम। अब मेरी बात सुनो गौर से। इस हमारे एरिया में ना पढ़ाई वाली जगह पे जो चीजें इधर हैं, इस जगह पे और एक चीज नहीं आई हुई है, इसकी मुझे तस्दीक बता जल्दी जल्दी। अभी आ जल्दी आ, देख के जल्दी आ। चला नहीं गया? जानू भाई ये वापस आ गए। आ गए हो तुम? अच्छा ठीक है, ये तैयार करके भेजी गई है इधर इसी जगह पर जिस चीज का आमना सामना हुआ है हमारा, ये हमारे लिए थी। ठीक है सही। अच्छा मेरे ऊपर हमला नहीं कर सकी तो अवैस के ऊपर कर दिया उसने। ठीक ठीक है, मैं बुलवाता हूँ इसे। जाए चला गया। क्या कह के गया? भाई वो कह रहा है कि आपके लिए तैयार करी गई थी ये चीज, ये आपको ही नुकसान देने वाली थी। अच्छा आपके ऊपर नहीं हमला कर सकी तो अब ऐसा थे चढ़ गया उसके। अच्छा तो अब इसको क्या करना है? ये हाजिर बुलवाता हूँ ना। अच्छा कि किसने भेजा इसे? चले हाजिर हो खूनी जनात, हाजिर हो। हाजिर हो खूनी जनात, हाजिर हो। किसने भेजा है तुझे तैयार करके? सामने आ। हाजिर हो
आवाज दे। खूनी जिनात हाजिर हो। खूनी जिनात हाजिर हो। खूनी जिनात हाजिर हो। हाजिर हो। आ जाओ हमारे सामने आ जाओ। आ जाओ सामने हाजिर हो। हाजिर हो। जानू भाई ये आ गया। और आ गया तू? किसने भेजा तुझे? पहले तो मैं माजरत करता हूँ, पहले मेरी बात सुन ले। मेरी चीज़ों ने तुझे नुकसान दिया है। हाँ जी। अच्छा इधर आके बैठे हो तो मारने लग गए? ये मैं आपसे माजरत यही इसलिए कर रहा हूँ कि उसने आपको मारा है, इस वजह से। अभी आप बताओ हमें कि किसने आपको भेजा है। सारी आपकी तकलीफ दो दर्द हैं हमने पूछ लिए आपसे कि गलत किया उन लोगों ने, तो आप बताएं ना हमें आप किधर से आए हैं, कहाँ से आए हैं, किसने भेजा है, क्या मकसद था आपका, ये हमें जवाब चाहिए आपसे। बोलो बोलो जल्दी करो, चुप बैठने से आपका काम नहीं होगा ना हमारा होगा। बोलो शाबाश बोलो। मालिक का नाम बताओ ना इधर जो आए हैं आप। उसने तो भेज दिया, ये नुकसान आप देने वाले थे मुझे? आपके हाथ में चढ़ गया वैस ऐसे। अच्छा मालिक का नाम बताओ, शाबाश, किसने भेजा तुझे? जल्दी करो जल्दी करो, किसने भेजा है? जावेद ने? मैंने कहा ना जानू भाई मेरा शक बिल्कुल ठीक था। ठीक इसके काम, क्योंकि उस दिन उसको हमने जो उसका काम खराब किया है ना, वो जिस तरीके से गायब हुआ मुझे यही अंदाजा था कि उसकी आंखें देख के लग रहा था कि ये हमारे साथ कुछ करने वाला है ना। और उसको ये अंदाजा नहीं था कि ये इसने काम करके कितनी बड़ी गलती की है हमारे साथ।
अब तेरे साथ क्या करूं, तेरे मालिक के साथ क्या करूं। इसको आग लगा दो जानू भाई, इसको मार दो, जला दो, इसको पता चले। जला दे? हाँ जानू भाई। अभी माजिद की बात सुनी है कि आग लगा दो, तो आग ही लगाने वाला हूँ। ना 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 ना, बात ये ना करो कि ना जलाओ, ताबे करना है मुझे, मैं जे तेरी ज़रूरत ही नहीं है। जब तू हमला कर सकती है तो फिर वफादार नहीं हो सकती तू चीज़, ना तेरे मैं वफादार बनना चाहता हूँ। आई समझ? आई समझ? कुछ ऐसी बात ना करो कि मैं ताबे करूँगा तुझे, कुछ करूँगा। हाँ जी, ना मैं रखता तो नहीं हूँ तुझे, ये इसकी भूल छोड़ दे कि दोबारा मैं तुझे रखूँगा, ये ताबे करूँगा ना। रोने से कुछ काम नहीं बनता, तूने उधर से तैयारी करके आई है कि इधर मारने के लिए हमें आई है, तू कुछ बचाने के नहीं ले। अगर तू हमारी खैर खा होती ना तो हमसे बात करती, कुछ करती, उधर से बात कर लेती, अवैस पे हमला ना करती। मैं, मेरे ऊपर तो तूने किया नहीं है, तू मेरे ऊपर करती तो मैं तेरा किस कैसे हाल करता हूँ। अब भी अवैस के ऊपर हमला किया है तो इसलिए तुझे आग लगा रहा हूँ, जिन हमला ना करती क्या पता मैं तुझे रख लेता ना। माजिद भाई सही कह रहे हैं जानू भाई। वो कहती है कि माफ़ कर दो, मैं आप किताबें होना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ। नहीं जानू भाई, फिर एक शर्त रखें, जो ये सब कुछ हमारे साथ करने आई है यही सब कुछ उल्टा जाके उसके साथ करे, वो रोता हुआ हमारे पास आना चाहिए। हाँ सुन रही है बात, जिस तरीके से उसने भेजा है जावेद ने, मेरे पास आई हो, मेरी जगह पे आई हो, मेरी चीज़ों को परेशान की है, इसलिए तेरा खून खून हो चुकी है इस टाइम। मैं एक वजह से छोड़ सकता हूँ आपको कि तू वापसी जा, जैसे उसने बोला था वैसे वैसे उसके साथ कर कि वो रोता रोता मेरे पास आए, बस। ये कितने दिन के देगी मुझे? कर देगी? ठीक है जा, तू कर क्या, वो जावेद मेरे पास रोता आया है कि मैंने ऐसे किया है तो वो मेरे से बदला लिया उसने, जा मैं नहीं जलाता तुझे। जानू भाई ये सब कुछ क्या था? माजिद तो ये इतना गिरा हुआ इंसान, ये हो सकता है? इस इंसान है जावेद को जितना भी मैंने इज्जत दी है ना माजिद, वो उतना ही सर पे चढ़ा है। देखो उसने भेजा है, वो कह रहे हैं उसने भेजा है मुझे मारने के लिए भेजा है, वो चीज़ों को तेरी भटकाने के लिए भेजा है। मैंने कहा यार चीज़ें तो क्या मसला हो चुका है, जब ये काम हो चुका है, ये उसने ठीक मारा है तो भूत मार, उसने कुछ बात करी होगी ना उससे, तो उसने फेंटी लगाई है फिर जावेद की, तो ये आएगा मेरे पास, जैसे आएगा ना मैं इसकी तो फेंटी लगवाऊंगा पहले। नाज़रीन मैं असल में ना परेशान इस वजह से हूँ कि पहले नहीं लगता था कि हमारे साथ कोई बंदा ऐसे कर सकता है या अपनी चीज़ों के खातिर हमें नुकसान देने की कोशिश कर सकता है, मगर इस दुनिया में आम इंसान क्या हम लोग भी सेफ नहीं है जानू भाई, वैसे देखा जाए तो। देखा जाए सही कह जाओ। और उसकी इतनी जुर्रत, उसकी इतनी हिम्मत कहाँ से पैदा हुई? ये इस चीज ने पैदा की ना माजिद, इसने जो कहा है कि मैं कर दूंगी आपका जो कुछ है, जैसे हम अपनी चीजों को समझाते हैं तो इसने भी समझाई होगी ना भाई, मैं कर दूंगी आपका काम। और इसको भी अंदाजा नहीं था कहाँ जाना है मैंने, इसको तो इधर आके पता चला जी अब खूनो खून हो चुकी है चीज। नाज़रीन ये हमसे बच नहीं पाएगा, अगर ये चीज़ हमारे पास आई है ना, इस चीज़ ने अगर हमें
कहा है कि भाई उसने हमें बताया हर चीज, अब उसको जो हमने काम सौंपा है वापस जाके ये तो जावेद खुद परेशान होगा कि उल्टा मेरे साथ क्या हो गया, उल्टा मेरे साथ क्या हो गया। जब वो दिन आएगा जिस दिन आप उसको देखेंगे कि वो रोता हुआ यहाँ पर आएगा हमारे पास, वो कहेगा कि मुझे माफ कर दो, मेरी यहाँ से जान छुड़वाओ, इस चीज से जान छुड़ाओ, फिर हम इस चीज को अपने ताबे करेंगे उसके सामने। हाँ सही है, उसके सामने जानू भाई, ऐसे भी नहीं, उसके सामने, और उसको हर एक अपनी गलती का एहसास दिलाएंगे। और उसने जो हमारे साथ करने की कोशिश, खुदा न खास्ता हमारे हम नहीं होते कोई और होता, वो तो नहीं जिंदा तो नहीं बच पाता ना। ये तो दो दिन से वो मुझे बता रहे हैं कि ये नहीं उसने बताया कि लड़ाई हुई है हमारी। हाँ। लड़ाई तो बाद में उन्होंने बताई है ना। हाँ। पहले बता देते क्या पता मैं जल्दी कर लेता, जल्दी कर लेते, हकीकत पता, हकीकत नहीं पता था ये। मगर अगलों ने, उन्होंने भी चीज को नहीं बताया ना। आप देखें ना, कोई ये अगर किसी का पता करते हैं तो इनको पता चल जाता है, पता चल। अब दोनों हेवी चीजें थी, एक दूसरे के सामने थी, तो एक दूसरे से वो राज ना उगलवा सके जब तक आप उसके बीच में ना, बीच में नहीं आए। नाजरीन इंशाल्लाह कोई बड़ी बात नहीं है, आज जो इसने किया है कल वो लाजमी भुगतेगा, और ये भी आपने लाजमी अपनी आंखों से इंशाल्लाह दिखाएंगे आपको कि इस चीज ने उसके साथ क्या हशर किया है। और इंशाल्लाह जब वो आएगा खूनो खून होके आएगा, जिस तरीके से उसने हमें तकलीफ देने की कोशिश की है, यही चीज उल्टा जाके इसी की चीज ही उसी के ऊपर ही हेवी होगी इंशाल्लाह, और उसी को ही सबक सिखाएगी। और ये दोनों इंशाल्लाह उस दिन हाजिर होंगे यहाँ पर आपके सामने, हकीकत ये लाजमी ले आएंगे। आज के प्रोग्राम से हमें दे इजाजत, अगले प्रोग्राम में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। चले जानू भाई।